दोस्तों, अगर आप घर बैठे इंस्टेंट परसेंट लोन ऐप के जरिए से लोन लेना चाहते हैं या फिर इमरजेंसी आ पड़ी है तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स कंडीशन जान ले, क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं, सारा कुछ समझने के बाद अपने हिसाब से सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई करेगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है। दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप घर बैठे 10% लोन लेना चाहते हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है तो ऐसे कंडीशन में आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मोबीक्विक एप्लीकेशन के बारे में, जिसकी मदद से मनी ट्रांसफर, मोबाइल बिल, रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं और साथ साथ पे लेटर की सर्विस भी आपको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर बेसिक बात करूंगा पे लेटर सर्विस के बारे में कि आप किस तरह से इनके पे लेटर सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बाय नाउ पे लेटर की सर्विस कैसे ले सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के जरिए से आप भीम यूपीआई की तरह बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। मैक्सिमम 30,000 रुपये तक का पे लेटर सर्विस आपको देखने को मिलते हैं, यानी 30,000 रुपये तक का मैक्सिमम लिमिट देखने को आपको मिल सकता है। और आप यहाँ पर लॉयल्टी पॉइंट आप सेव कर सकते हैं अप टू 1,000 रुपये पर मंथ, यानी सुपर कैश आपको दिए जाते हैं इस एप्लीकेशन के जरिए से। जब आप कहीं भी बिल भुगतान करते हैं तो सेव कर सकते हैं 1,000 रुपये तक लगभग। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई की तरह एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन क्यूआर कोड को आप स्कैन करके बिल पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं ईएमआई के ऊपर। तो बहुत कुछ फैसिलिटी आपको मोबीक्विक के जरिए से देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर मैं पर्सनल लोन्स के बारे में नहीं बात करूंगा, कभी अगले दिन बात करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों पे लेटर सर्विस के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प ले सकते हैं। तो बेसिक में यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा था भीम यूपीआई ऐप के बारे में, जो कि मोबीक्विक की तरफ से निकल के आ रही है, और पे लेटर सर्विस के बारे में यहाँ पर बेसिक हम बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.0 के साथ एप्लीकेशन ये रेट कर रही है और राइट साइड में देख सकते हैं कि और राइट साइड में देख सकते हैं 50 मिलियन से ऊपर एप्लीकेशन को अब तक डाउनलोड कर लिया गया है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो हमारे साथ बने रहे, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखेगा। इस वीडियो में आपको लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ भी दिखाएंगे हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा जीप पे लेटर सर्विस लिया गया है और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे जीप पे लेटर लेने के लिए, किस तरह से सर्विस को इस्तेमाल करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखेगा। तो दोस्तों, ये है मोबीक्विक एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं सेंड नाउ पे लेटर सर्विस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि जीप के साथ शॉपिंग बिल पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। ऊपर में स्किप वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करके स्किप कर सकते हैं और इस तरह से आपको यहाँ पर परमिशन आपको देने होंगे। ये है मोबीक्विक एप्लीकेशन का मेन डैशबोर्ड, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं रिचार्ज बिल, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, स्कैन एंड क्यूआर कोड को आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। व्यू ऑल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कई तरह का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक से बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, वॉलेट से बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं मनी के लिए, और साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं रिचार्ज एंड बिल पेमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो मोबाइल, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड, जी पे लेटर, साथ साथ ईएमआई पेमेंट, एलआईसी इंश्योरेंस और कई भी चीज़ें ऐसे सर्विस है जो आपको इस एप्लीकेशन के अंदर में फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लोन्स के बाद यहाँ पर पे लेटर सर्विस का आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल वही जीप पे लेटर या फिर पे लेटर लोन एक ही है। अगर आप वहीं पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर लोन्स का ऑप्शन आ रहा है, तो फिलहाल मैं लोन्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पे लेटर सर्विस के बारे में, यानी जीप पे लेटर सर्विस के बारे में। अगर लोन्स के ऊपर अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर फटाफट हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि 60,000 रुपये तक का पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिए, पूरे भारत में एप्लीकेशन ये वर्क नहीं करती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ट्राई नहीं करना है। सबसे पहले कस्टमर सर्विस में आप कॉल लगा लें, पूछताछ कर लें कि भाई कहाँ ये सर्विस प्रोवाइड करा रही है। हालांकि इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन नहीं किया गया पर्टिकुलर किन सिटीज़ में लोन सर्विस ये प्रोवाइड करा रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लोन अप्लाई करके आपको नहीं दिखा सकता। यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह आपको देने होते हैं, साथ साथ इंटरनेट बैंकिंग या फिर बैंक स्टेटमेंट की डिमांड की जा सकती है। मैं यहाँ पर जीप पे लेटर के बारे में दोस्तों बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर द्वारा जो कि 4,000 रुपये के लिमिट से इन्होंने यहाँ पर लिया है, किसी तरह का कोई लिमिट इस्तेमाल अभी फिलहाल नहीं किया है, 4,000 की टोटल लिमिट्स मिली है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है कि 60,000 रुपये तक का लिमिट्स आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 60,000 रुपये तक का लिमिट्स आपको देखने को मिल सकता है। ईएमआई की तरह इसे आप बिल भुगतान कर सकते हैं, यानी ईएमआई के ऊपर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसे ऑन टाइम पेमेंट्स करना होगा। और नीचे में देख सकते हैं कि लेंडिंग पार्टनर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा ही आपको एक क्रेडिट लिमिट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज आपको नहीं देने होते हैं 20 दिनों तक। एक माई ट्रिप ट्रेवल के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हैप्पी जी गो का टिकट बुक वगैरह कर सकते हैं,
फूडिंग की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो जोमेटो जैसे चीज़ों पर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बहुत से ऐसे सर्विस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे मैं कि यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन वगैरह बाइक कर सकते हैं, स्टोर से आप खरीद सकते हैं कुछ भी चीज़ें, कुछ बुक्स हो गए, टेक्स्ट बुक हो गए वो आप कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं मिंत्रा से, एजियो से, तो बहुत सारे जगह आप इसका इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं। सब कुछ बताएंगे किस तरह से इसे इस्तेमाल करना होता है। स्टार्ट यूजिंग जीप के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इस तरह से पॉप अप आ रहा है, इसे हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप बहुत सारे देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह का ग्रोसरी, ट्रैवल, शॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं कि आप जिस पर आप शॉपिंग करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करके नीचे से शॉप नाउ के ऊपर आप क्लिक करके रिडायरेक्ट आप कर जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। चलिए मान लीजिए मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और किसी एक प्रोडक्ट को मैं इसी तरह से चूज कर लेता हूँ जो कि 584 रुपये के हैं, और नीचे से ऐड टू बैग मैं कर लेता हूँ और अपनी साइज यहाँ पर नॉर्मली से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा, मैं लॉगिन पहले कर लेता हूँ। अपने हिसाब से यहाँ पर मैं साइज सेट कर लेता हूँ और गो टू बैग के ऊपर हम सिंपल क्लिक कर लेते हैं। वैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप प्लेस ऑर्डर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब फटाफट आप जिस एड्रेस पे आप मंगाना चाहते हैं प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के लिए आप एड्रेस फिल करेंगे और नीचे से सबमिट करेंगे। तो फाइनली मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स फिलअप कर लिया है, नीचे से आपको कंटिन्यू कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर 584 रुपये लिए जा रहे हैं, नीचे से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से गेटवे ओपन हो जाती है, जिसमें कि यहाँ पर पेटीएम्स, पेजैप, वॉलेट, यहीं पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबीक्विक का ऑप्शन आ जाती है। इसे आप सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप पे वाले बटन के ऊपर करते हैं तो पे आपके फाइनली हो जाती है। तो हालांकि ये हमारी प्रोफाइल नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर द्वारा जी पे लेटर सर्विस मिली है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इस तरह से आप इन्हें बिल भुगतान वगैरह कर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे इस एप्लीकेशन के अंदर जी पे लेटर की सर्विस लेने के लिए। तो आपको वही इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, पैन कार्ड होनी चाहिए, लेकिन याद रखें कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए ताकि आधार OTP के बेस पर आप इंस्टेंट KYC कर सकते हैं। ये अगर आप पे लेटर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एरिया पिन की जरूरत नहीं है, कहाँ सर्विस प्रोवाइड करा रही है नहीं करा रही इससे कोई मतलब नहीं है। 100% आपकी अगर सिविल स्कोर ठीक ठाक होगी तो आपको पे लेटर की सर्विस ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल लोन्स के अंदर में आपको कहीं ना कहीं एरिया पिन कोड का चक्कर जरूर होता है। हो सकता है आपके शहर में लोन सर्विस प्रोवाइड नहीं कराती हो, तो ऐसे कंडीशन में आपके रिजेक्शन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आज के डेट में मैंने देखा कि जी पे लेटर सर्विस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो चीज़ें आज के वीडियो में आपने देखा जो कि सब्सक्राइबर द्वारा यहाँ पर पे लेटर की सर्विस लिया गया था। कैसे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं वो चीज़ें आपने यहाँ पर इस वीडियो में आपने यहाँ पर देखा। आपकी उम्र 18 साल से दोस्तों ऊपर होनी चाहिए, इनकम का सोर्स होनी चाहिए, भारत का नागरिक होनी चाहिए, तो ये आप जी पे लेटर सर्विस का दोस्तों इस्तेमाल करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।